तो संदीप उर्फ काला जठेड़ी और अनुराधा क्राइम की दुनिया के दोनों बड़े नाम। काला जठेड़ी पर 40 से ज्यादा केस तो अनुराधा उर्फ मैडम मिंस पर तरह तरह के आरोप। क्राइम की दुनिया की ये दो लव बर्ड अब शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। आज दिल्ली के द्वारका में स्थित संतोष गार्डन में काला जठेड़ी और अनुराधा की शादी होने वाली है। शादी का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि थोड़ी देर में काला जठेड़ी और मैडम मिंस की शादी होगी। काला जठेड़ी मैरिज गार्डन पहुंच गया है, ये जानकारी सामने आ रही है। तो गैंगस्टर काला जठेड़ी शादी के लिए शादी स्थल पर पहुंच चुका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, शादी की जोरदार तैयारियां नजर आ रही हैं। ये शादी दरअसल इस मायने में खास है क्योंकि क्राइम की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले दो लोग शादी के बंधन में बंध रहे हैं। दुल्हन डॉन की ओर से कौन कौन आया है और काला जठेड़ी की तरफ से शादी में कौन कौन शिरकत कर रहा है, इस पर पुलिस की भी नजरें हैं। चारों तरफ पहरेदारी की गई है। कौन कौन आया रहा है इस शादी में शिरकत करने के लिए, इस पर पुलिस की पैनी नजर भी है। तो बकायदा QR कोड स्कैन करके ही आप इस शादी में एंटर कर सकेंगे, यानी जिन्हें बुलाया गया है उन्हें QR कोड दिखाना होगा। और तस्वीरों में आपको लेडी डॉन अनुराधा नजर आ रही है जिसके हाथों में मेहंदी रचाई जा रही है, लेकिन यहां पर पुलिस आपको इसलिए नजर आ रही है क्योंकि दो हाई प्रोफाइल कह सकते हैं आप डॉन है जिनकी शादी होने वाली है। तस्वीरों में आपको पुलिस नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी चाक चौबंद रखी गई है, CCTV से इस पूरे इलाके में निगरानी की जा रही है। जितेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है जरा बताएं। जी बिल्कुल, देखिए शादी इसी ये जो आप देख रहे हैं इसी संतोष गार्डन के अंदर हो रही है। देखिए बाहरी पुलिस बल यहाँ पर आपको दिखाई देगा, बड़ी पुलिस की संख्या यहाँ पर मौजूद है, इसके अलावा स्वात की टीम यहाँ पर मौजूद है। और बकायदा ये देखिए किस तरीके से जो गेट है वहीं पर बकायदा पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं बड़ी संख्या में, ताकि कोई भी अनहोनी ना हो पाए। और इसके लिए बकायदा यहाँ पर जो गेस्ट की लिस्ट है वो भी आप हाथ में देख सकते हैं पुलिस के, तकरीबन 150 से 200 के करीब जो गेस्ट हैं वो यहाँ पर इन्वाइटेड किए गए थे इस शादी में। और बकायदा नाम देख कर ही इस लिस्ट में सभी गेस्टों को अंदर जाने की यहाँ पर इजाज़त दी जा रही है। इसके अलावा एक बार कोड है जो सभी गेस्ट को दिया गया, जब तक वो बारकोड स्कैन नहीं होता, यानी कि जब तक मिलान नहीं होता उस बारकोड का, तब तक उसको अंदर पंडाल में नहीं जाने दिया जा रहा है। ठीक सामने आप ये देखिए, ये संतोष गार्डन है और संतोष गार्डन के गेट पर भी आपको लेडी पुलिस कांस्टेबल्स यहां पर तैनात दिखाई देंगी। ठीक सामने स्वात की गाड़ी है और ठीक बराबर में देखिए जेल वैन, जिससे सुबह तकरीबन 10:15 बजे काला जठेड़ी को तिहाड़ जेल से लाया गया। हालांकि खुद मैडम मिंच यानी कि जो अनुराधा चौधरी है, जो राजस्थान की लेडी डॉन है, वो सुबह खुद अपनी गाड़ी को ड्राइव करके, अपनी स्कॉर्पियो ड्राइव करके 9 बजे के करीब पहुंच चुकी होती है। ये देखिए किस तरीके से जो पुलिस बल है वो आपको अंदर से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। सभी यहां पर सिविल ड्रेस में हैं और अत्याधुनिक हथियार से तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहां पर आपको लैस दिखाई दे रहे होंगे। तो कहा जा सकता है कि शादी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस वक्त पंडाल के अंदर किए गए हैं। दोनों तरफ से तकरीबन 150 से 200 के करीब जो गेस्ट हैं वो अभी पंडाल के अंदर मौजूद है और शादी की जो रीतियां हैं वो फिलहाल अंदर पूरी की जा रही हैं। जी जितेंद्र, जरा ये बताइए कि दो लोग जब शादी के बंधन में बंधते हैं तो उनको अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं दी जाती हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों ही क्राइम की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले लोग आपस में शादी के बंधन में बंध रहे हैं, तो कौन कौन उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए पहुंच रहा है, इस पर नजर है पुलिस की? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस ने बकायदा एक गेस्ट लिस्ट इनसे मांगी थी कि कौन कौन लोग इस शादी के अंदर शामिल होंगे। दोनों तरफ से बकायदा उनकी गेस्ट लिस्ट इनको दी गई है और ये देखिए जो लोग हैं लगातार जो गेस्ट हैं उनका आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। ठीक इसी तरीके से देखिए बकायदा उनके नाम चेक किए जाते हैं लिस्ट के अंदर है या नहीं और फिर उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने की यहाँ पर इजाज़त दी जा रही है। तमाम आला अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। काला जठेड़ी की अगर बात करें तो उसके ऊपर तकरीबन 40 से ज़्यादा हत्या, इसके अलावा जबर उगाही, इसके अलावा हत्या के प्रयास जैसे संगीन धाराओं मुकदमे दर्ज हैं। जो अनुराधा चौधरी हैं उनके ऊपर राजस्थान में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, वो बताया जाता है राजस्थान की लेडी डॉन है। और ये देखिए किस तरीके से जो गेस्ट हैं वो लगातार यहां पर आ रहे हैं और भारी पुलिस बल भी आपको यहां पर दिखाई देगा, पुलिस सिक्योरिटी यहां पर दिखाई देगी, हम तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा की आज शादी है। हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा ने अनुराधा चौधरी से तैयारियों को लेकर बात की। सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी की गई है, NIA, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, सारी टीमें लगी हुई हैं। काफ़ी ज़्यादा थ्रेट्स भी हैं क्योंकि दुश्मन काफ़ी ज़्यादा हैं, तो शादी में किसी भी तरीके का रिस्क ना हो, इस चीज़ को आप कैसे देखें?
नहीं, जो डिपार्टमेंट ने ऑफिसर्स लगाए तो उनके होते हुए रिस्क जैसी तो कोई चीज़ सपने में भी सोचना गलत बात होगी, तो कोई रिस्क नहीं, कोई रिस्क नहीं है। शादी की तैयारियां आप किस तरीके से देख रही हैं? मंडप में क्या कुछ खास आप लोगों ने इंतज़ाम करवाए हैं? नहीं, कुछ खास नहीं है। जैसे मिडिल क्लास फैमिली की शादी होती है बिल्कुल वैसे ही ये शादी हो रही है। अच्छा, ये बताइए कि लास्ट बार आपकी संदीप से कब बातचीत हुई थी और शादी को लेकर के क्या कुछ खास बातचीत हुई? 7-8 दिन एसटी कॉल पे हमारी बात होती है, 7-8 दिन पहले हुई है। तो हाँ, कुछ खास नहीं, शादी की अरेंजमेंट्स तो क्योंकि मैं बाहर हूँ तो मुझे ही देखनी है, तो ऐसी कोई खास बात नहीं हुई है। अच्छा, ये बताइए महज 6 घंटे का पैरोल मिला है शादी के लिए भी और उसके बाद जो आपका गृह प्रवेश होगा उसके लिए भी, 6 घंटे क्या सफिशियंट और किस तरीके से आपका गृह प्रवेश होगा? हाँ, 6 घंटे शादी के लिए सफिशियंट है क्योंकि कुछ जो रस्में हैं उनको हमने काट दिया है, जो ज़रूरी है हम वो कर रहे हैं। और इसके अलावा जो गृह प्रवेश है उसकी कैंसिलेशन के लिए सोनीपत डिपार्टमेंट ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने एप्लीकेशन लगाई है, उसकी जो सुनवाई है वो कल है। अब देखना ये है कि जज साहब हमें अलाउ करते हैं, परमिशन देते हैं गृह प्रवेश की मुझे और संदीप को या नहीं। शेरवानी की बात की जाए या स्पेशल शॉपिंग आपने कुछ की है इसके लिए? संदीप के लिए कुर्ता खरीदा है और एम्ब्रॉयडरी वाला कुर्ता है और मैं साड़ी पहनूंगी, तो कुछ थोड़ा सा अलग हट के। अच्छा, ये बताइए अभी वो जेल के अंदर बंद है, तिहाड़ जेल में, अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि काफ़ी और वक्त अभी उनको रहना पड़ेगा, तो क्या ये डिसीजन आपने जो लिया आपके लिए टफ था या बहुत आसान रहा, किस तरीके से पहली मुलाकात? संदीप जैसे पर्सन को लेके ये डिसीजन जो था वो बहुत ही ज़्यादा इजी था क्योंकि जो उनका नेचर या जो चीज़ें हैं जो एक औरत को चाहिए होती है वो सब उनमें क्वालिटी है। और ठीक है, थोड़ा टाइम वो निकालेंगे, थोड़ा टाइम या थोड़ा ज़्यादा लंबा टाइम वो मैटर नहीं करता है, मैं वेट करूँगी और उनके केस वगैरह ये सब चीज़ें फाइट करूँगी, हम उनको इनोसेंट प्रूव करेंगे क्योंकि वो इनोसेंट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो है इनोसेंट। तो उनके लिए मतलब उनसे शादी करने का डिसीजन मेरे लिए टफ जैसा कुछ भी नहीं है। अगर बड़े बड़े अपराध, बड़े बड़े क्राइम, बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम नहीं दिया गया होता इन दोनों की तरफ से तो कहा जा सकता था कि भविष्य जो है वो बड़ा उजला है, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि क्राइम की दुनिया से ताल्लुक रखने वालों का भविष्य अंधकार में ही होता है।